तो दोस्तों हम यहाँ से अब निकल चुके हैं, आगे के लिए अपने यात्रा को शुरू करते हैं। भुला के जिला के कुछ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं रोशन भंडारी आपके लिए फिर एक नया वीडियो ब्लॉग लेके आया हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ अभी इस टाइम बिंदेश्वर के इस घनाघोर जंगलों में, और अभी टाइम हो रखा है दोस्तों 10 बज चुके हैं, और मैं अभी बिंदेश्वर महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं अभी। और मेरे साथ हैं, मेरे साथ चंद्रपाल सिंह भंडारी जो कि मेरे बचपन के फ्रेंड हैं। तो हम अभी काफ़ी टाइम में कहीं बार जा रखे थे, इस बार हमने सोचा कुछ अलग किया जाए। और दोस्तों हम अभी यहाँ पर एक रास्ते में एक रेस्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि काफ़ी ऊँचे मार्ग पे सफ़र करते हुए आ रहे हैं हम। अभी 8-9 किलोमीटर ऊपर आ रखे हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर और हैं, तो अभी यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं, और जंगल में आप सभी को पता होगा कि एक ठंडा सा सुकून सा एक आनंद भरी हवाएं चलती हैं, जिसमें हमें एक अच्छा सा महसूस होता है। यहाँ पर 5 किलोमीटर पे ही इनकी कुछ इस प्रकार की हालत हो चुकी है। हेलो, क्या हाल? ठीक ठीक ठीक। इनके लिए पानी की उपलब्ध व्यवस्था कर रही है बॉडी जी, ये देखो या मीडिया। और यहाँ पर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम, और यहाँ से लगभग अभी भी काफ़ी दूर है, और यहाँ पर अच्छी सी ठंडी सी हवा और छाया मिली हमें, तो इससे हम यहाँ पर बैठ गए, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से अभी काफ़ी दूर हैं, और यहाँ पर देख सकते हो पाली भाई अभी बैठे हैं, इन्हें काफ़ी थकान लग चुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अभी कुछ इस प्रकार यहाँ जाना है हमें, देख सकते हो आप काफ़ी दूर हैं, और यहाँ से अभी काफ़ी दूर हैं, तो इसके कारण हमें यहाँ पर थोड़ा एक रेस्ट ले रहे थे। तो दोस्तों अभी चलते हैं दोस्तों आगे के लिए। और यहाँ पर अभी जो पेड़ पौधों में देख सकते हो कितनी बसंत ऋतु के टाइम से काफ़ी हरी भरी हो रखे हैं, पेड़ पौधे के नए पत्ते आ रखे हैं, तो एक अलग ही सुकून मिलता है दोस्तों। आपको पता ही है कि पहाड़ों में एक सुकून भरा जीवन रहता है, और स्ट्रगल तो बहुत है, बट एक सुकून भी है। शहर के भाग दौड़ से अच्छा हमारा इन पहाड़ों में सुकून है। तो आइए हमारे पहाड़ों में और देखिए। तो दोस्तों हम यहाँ से अब निकल चुके हैं, आगे के लिए अपने यात्रा को शुरू करते हैं, और इसी सुकून भरी माहौल में एक मज़ा सा आ रहा है दोस्तों। आपको पता है कि काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों यहाँ पर हमें, और यहाँ से जो आनंद हो रहे हैं आप सभी को हम अनुभव अपना शेयर करेंगे आपके साथ। और काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर जाने के बाद, आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो कितनी खुशी है आज का मौसम में, और काफ़ी अच्छा हल्की हल्की धूप लगी है दोस्तों, और सुकून भरा एक ठंडा ठंडा हवा यहाँ पर काफ़ी अच्छा सुकून दे रही है हमें, और काफ़ी आनंद आ रहा है दोस्तों यहाँ से। और तो दोस्तों अभी चंद्रपाल सिंह भंडारी आगे चले गए हैं, हमारे पाली भाई उपनाम से जाने जाते हैं, आप सभी को पता होगा जो हमारे इस पहाड़ के होंगे और जो हमारे दोस्त होंगे उन्हें काफ़ी पता होगा हमारे बारे में। तो दोस्तों अभी आगे चलते हैं और चंद्रपाल जी से एक छोटा सा गाना गाएंगे आपके लिए, तो देखते हैं कैसा गाना गाते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे और देखिए। कहाँ बे रे पहाड़ी भुला के जिला के गोकू छे, के जिला के गोकू छे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के एंजॉय हो रहे हैं आज, और अभी तो 5-6 घंटे हो गए रास्ते में, पहुँचे नहीं अभी तक लोकेशन पे, क्योंकि भाई साहब दिल्ली से आ रखे हैं, और पहाड़ों की ताकत छोड़ के दिल्ली में दिल्ली की ताकत लेके आ रखे हैं, और आपको पता है जा नहीं पा रहे हैं थोड़ा भी नहीं, रेस्ट करते करते 10 मिनट में बैठ जा रहे भाई साहब। ये देखो, ये है यहाँ के युवाओं के, जब शहर जाके और पहाड़ आ गए, देखो कितना मोटा हो गया, देखो 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 कितना हट्टा कट्टा बन गया देखो। अरे दोस्तों मैं हट्टा कट्टा नहीं हो रखा हूँ टोटली, मतलब ये बात है कि वहाँ का थोड़ा मतलब यार क्या बोलते हैं, तेल की चीज़ें, फास्ट फूड, ऐसी चीज़ें खा के यार अपने आप वो हो जाता है, नहीं तो मेरे से ज़्यादा फिट बंदा नहीं था कोई, एकदम हेल्दी। तो दोस्तों यहाँ से अभी बिंदेश्वर 200 मीटर रह गया है, और दोस्तों मेरा स्टैंड भी टूट गया है, और भाई साहब ने तोड़ा, इन्होंने तोड़ा ये स्टैंड आज जोड़ देखो कितना बेसरम है। तो चलते हैं दोस्तों ऊपर के लिए, और ये देखो कितनी हरी भरी घास है, ये देखो हाथ भी कटने लायक है पूरा, इसे शायद क्या बोलते हैं, इसे बुग्याल, शायद बुग्याल बोलते हैं, मुझे कंफर्म पता नहीं है। और ये देख सकते हो किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, ये देखो, और ये देखो फूल को, यहाँ देखो कितने अच्छे पुरास के फूल हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अभी ये टूट चुका है, तो अब तो ऐसे ही हाथ से ब्लॉगिंग करना पड़ रहा है, और चलते हैं दोस्तों आगे
और सीधा आपको बिंदेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं, तो चलते हैं। चले अब एक गा लगा के चल भाई बोल। धरती हमरा गढ़वाले की, धरती हमरा गढ़वाले की, हो कतगरो तेल स्वाणी चा, हाय कतगरो तेल स्वाणी चा। तो दोस्तों ये स्वर मेरे कानों से निकलते हुए और चीरते हुए मेरे दिमाग में पहुंचे और मुझे डिप्रेशन में गया। 2 मिनट ले ऐसी दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे और ये देखो दोस्तों बोले, तो दोस्तों ये है बिंदेश्वर महादेव पावन भूमि में पहुंच चुके हैं। और यहाँ से अभी देखो अभी कार्य अभी इसमें चल ही रहा है, अभी यहाँ पर अभी पूरा बना नहीं है मंदिर। तो अभी मंदिर की बनावट देख सकते हो किस प्रकार से है, आपको जूम करके दिखाऊंगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों कितना सुंदर सा बिंदेश्वर महादेव की एक नई प्रतिमा दिख रही है कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों ये पहले वाली फ़ोटो भी दिखाऊंगा मैं, ये है पहले वाली फ़ोटो और आप की ये है दोस्तों, आप ये देख सकते हो ये है और पहले वाली ये थी। तो दोस्तों अब देखते हैं, अभी पहले यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद यहाँ पर पूजा करेंगे दोस्तों, वो देख सकते हो। तो ये हैं दोस्तों यहाँ पर पहुँच चुके हैं फाइनली अपने लोकेशन पे। और दोस्तों ये जा रहे हैं अभी चंद्रपाल जी और मैं हूँ अभी पीछे से जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं और इसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी हम फाइनली 4 घंटे का सफ़र तय करते हुए यहाँ पर पहुँच चुके हैं फाइनली। और यहाँ से अभी देख सकते हो किस इस प्रकार से नज़ारा अभी दिखाएंगे आपको, ये देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से नज़ारा देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर पहले तो गंगा स्नान करेंगे, यहाँ पर अभी कार्य चल ही रहा है, लगातार काम हो रहा है कुछ इस प्रकार से बन चुका है अभी मंदिर और यहाँ पर अभी कार्य चल ही रहा है। तो दोस्तों ये देख सकते हो अभी ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है, यहाँ पर पूरा देवदार के पेड़ों से ढका हुआ है यह मंदिर और काफ़ी ऊँचाई है दूधातोली के इस घना घोर जंगल में बसा हुआ। और दोस्तों ये चलते हैं दोस्तों अभी गंगा स्नान। दोस्तों यहाँ पर अभी नहाने की तैयारी चल रही है कुछ से और चंद्रपाल जी तो अपने कपड़े उतारने लग गए हैं, ये देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं भी उतारता हूँ अपने कपड़े और देखते हैं यहाँ, ये देख सकते हो दोस्तों काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ पर नहाने के लिए। और ये देखो दोस्तों काफ़ी अच्छा सुंदर नज़ारा है देखने के लिए और यहाँ पर नहाने की व्यवस्था है। और अभी यहाँ पर गंगा स्नान की तैयारी हो रही है, चंद्रपाल जी अभी अपने कपड़े खोल रहे हैं और मैं जा रहा हूँ पानी पीने। जी पाली भाई यहाँ पर अपने कपड़े खोल रहे हैं और मैं गया नहाने के लिए। और दोस्तों यहाँ से अभी फिसलन काफ़ी हो रही है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर चंद्रपाल जी आ रहे पीछे से, ये देख सकते हो। और चलते हैं दोस्तों, ठंड बहुत लग रही है, मन तो नहीं कर रहा नहाने का, तो देखते हैं। तो यहाँ पर नाना धोना भी हो गया है और इसके बाद जाएंगे हम मंदिर में। और यहाँ पर अभी चंद्रपाल जी नारे हैं, ये देखो पाली भाई, ये देखो पाली भाई नारे हैं, ये देख सकते हो पाली भाई को ठंड काफी लग गई है। और पाले भाई को काफ़ी ठंड लग गई है। और यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ से अभी भीड़ लगाएंगे और उसके बाद अपनी वीडियो का करते हैं दिए बोले। ये देखो कितना भक्ति है, ना धो के हम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे मंदिर के दर्शन किस किस प्रकार से। और देखिए पर ये हैं, ये देखो दोस्तों देख सकते हो। ये देखो कुछ बारे में बताते हैं आपको, जील को लगाओ पार्वती माता को, उनके सका सकी जो कुछ भी हैं, ये नंदी हैं शिव जी की नंदी। और उसके बाद वहाँ पर भैरव है इधर,
हनुमान है, शनिदेव है, मर जाती कि नहीं। तो मोहर लोगों का पाव चढ़ाते थे भगवान कृष्ण को। अच्छा सुन ले, नैनवाण हमारी इनको भी चढ़ने पर हमारी अखाई इनको यज्ञ चढ़ने। तो मोहर लोग जो होते हैं वो नैनवाण चढ़ाते हैं भगवान कृष्ण को, ठीक है। तो कृष्ण का यहाँ सब मूर्तियाँ जो हैं लिंग में स्थापित हैं, सब शिव के ही ओंकार में है, हैं। वहाँ भी लिंग मिलेगा तुमको, वहाँ भी लिंग मिलेगा, वहाँ भी लिंग मिलेगा, सब लिंग मिलेगा। तो आपको इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो आपने सुना होगा कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों काफ़ी अच्छा नज़ारा देखते हैं, और मैं आपको यहाँ पर दिखाएंगे कुछ, यहाँ पर काफ़ी अच्छे, यहाँ पर देखो किसी, ये देख सकते हो दोस्तों काफ़ी, ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, यहाँ पांडव द्वारा स्थापित की गई थी दोस्तों यहाँ पर। और बताया जाता है कि दोस्तों यहाँ पर जब पांडव आए थे तो उन्होंने एक रात में यह मंदिर का उद्घाटन किया था। जो ये है पुराना मंदिर इस मंदिर का, और ये फिर ये बनना है कुछ नया मंदिर। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर, ये दिखाएंगे आपको, ये बना है नया मंदिर, ये देख सकते हो दोस्तों ये है नया मंदिर। और यहाँ पर दोस्तों कुछ ये है हनुमान जी की मंदिर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये है भैरव बाबा का मंदिर, और ये भैरव बाबा बजरंगबली का मंदिर, ये देख सकते हो दोस्तों ये है बजरंगबली का मंदिर। और ये देखो प्रतिमा भी है, काफ़ी सुंदर लग रही है यहाँ पर। और दोस्तों ये देख सकते हो मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखता है, काफ़ी सुंदर दिखता है दोस्तों। और ये देखो दोस्तों काफ़ी सुंदर है, और यहाँ पर ये देख सकते हो दोस्तों, और ये है गणेश जी का मंदिर, ये देख सकते हो दोस्तों। और ये है शिवलिंग छोटे बेटे, ये है महादेव, ये देख सकते हो काफ़ी सुंदर। और ये देखो यहाँ पर ये है महादेव का शिवलिंग, काफ़ी अच्छा सुंदर नज़ारा। और यहाँ पर पाली भाई जी यहाँ पर मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसा है यहाँ का स्थापना हुई। तो हमारे साथ है चंद्र पाली भाई, देखो यहाँ पर अभी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ से देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, काफ़ी सुकून सा महसूस होता है यहाँ पर। और यहाँ से आप यहाँ का अनुभव एक अलग ही अनुभव है दोस्तों, और कभी आना। और जो दोस्तों यहाँ पर देखना, आजकल के दृश्य काफ़ी सुंदर है, और कभी यहाँ पर दोस्तों कोहरा काफ़ी लगता है इस ऊँचे वाले क्षेत्रों में, तो इस कारण यहाँ पर दोस्तों इतना देखने को नहीं मिलता है। तो आज यहाँ पर काफ़ी देखने को मिला है, ये देख सकते हो काफ़ी घना घोर जंगल है। तो यहाँ पर फाइनली पूजा पाठ भी हो गई है, और काफ़ी सुकून मिला है। और पाली भाई आप कुछ बोलना चाहोगे? काफ़ी मतलब इतना सुकून मिला ना सच में, भगवान के दरबार में आके, बिंदेश्वर भगवान के दरबार में आके, और जो भी मन्नत मांगी वो शायद पूरी होगी, क्योंकि हम दोनों ने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पर आए हम, और हर लोग यही रहते हैं। तभी तो यहाँ रोड नहीं बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मेहनत करके यहाँ पर आओगे तो भगवान जी आपकी श्रद्धा। जय भाई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसी। और
तब तक दोस्तों अभी हम मैगी बनाते हैं और मैगी खाते हैं। मैगी रोटी है, वैसे रोटियां दो ही लाए बेचारा, मैं तो कुछ लाए नहीं। तो इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। और दोस्तों यहाँ आके हमें काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और काफ़ी अच्छा फील हुआ दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद जो सुकून है और यहाँ पर ठंडा पानी से नहाने के बाद जो मज़ा आ गया ना दोस्तों, उसकी कोई बात नहीं है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक नया वीडियो ब्लॉग में। तो दोस्तों कोशिश करूँगा आपके लिए एक अच्छे से अच्छा वीडियो और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों, लाइक करना, कमेंट करना और मिलते हैं ऐसे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।